विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले, अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले सभ्य और शांत जैन समाज को भी कुछ असामाजिक लोगों के कारण आक्रोशित होना पड़ रहा है। जैन समाज के शांति और सहिष्णुता की प्रतिपूर्ति कहे जाने वाले जैन संत, जिनका पूरा जीवन अहिंसात्मक तरीके से मोक्ष मार्ग की कामना से चलता है, अनेक संतों एवं सानिध्यों की जन्म स्थली थानला में विराजित जैन संत शोभित मुनि जी आदि थाना 3 विराजित है। जैन संत अपने नित्य कर्म के लिए जंगल गोचर भूमि जाते हैं। वहीं कुछ धर्म विशेष के युवकों द्वारा उनका रास्ता रोकना, गंदी गंदी गालियां देना, उन्हें द्वेषता पूर्वक अंडे, मांस, मटन खाने की बात करते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन क्षमा की प्रतिमूर्ति जैन संत उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन जब यह बात जैन समाज के लोगों तक पहुंची तो जैन समाज में आक्रोश पैदा हुआ। इसी को लेकर आज मनावर, दिगंबर एवं श्वेता जैन समाज के द्वारा अमर्यादित दुष्कृत्य की घोर निंदा करते हुए आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़ कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग करते हुए गृह मंत्री के नाम तहसीलदार एवं एसडीएम श्री भूपेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा गया। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। आपका नाम? आज जैन समाज ने जो ज्ञापन दिया, ये किस संबंध में दिया? थानला में हमारे जैन समुदाय के सुदेश मुनि जी वहाँ पर विचरण कर रहे हैं, विराजित हैं। वो सुबह परखने के लिए जंगल जाते हैं तो रास्ते में थानला के मुस्लिम युवकों ने परम पूज्य जो संत हैं उनसे अभद्रता की, उनके साथ गलत व्यवहार किया और उनको गलत शब्द बोले। प्रथम 3 दिन तो संत जो होते हैं, हमारे जैन संत बहुत करुणा के सागर होते हैं, तो उन्होंने 3 दिन तक तो किसी से बारे में बात नहीं की। फिर चौथे दिन उन्होंने वहाँ पे समाज के लोगों को इस चीज़ से अवगत करवाया और उसके बाद जैन समाज एक्शन में आया और समग्र राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है जैन समाज के द्वारा। और प्रशासन से निवेदन है कि इस विषय पे संज्ञान लेके तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो आरोपी है उनके खिलाफ, ताकि भविष्य में भी इस तरह की घटना न हो। जय जिनेंद्र। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।